किसी लॉजिकल फंक्शन की एक्सटेंशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और लॉजिकल फंक्शन देखते हैं, इफ। अब इफ क्या है, इसमें हम फिर से लॉजिक देंगे, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से सिस्टम हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा। आप ये चीज़ देखें, और फंक्शन में एंड फंक्शन में आप जितने मर्जी लॉजिक्स पुट करें चलेगा, बट इफ फंक्शन में एक टाइम पे एक ही लॉजिक आएगा। ठीक है, आप देखें इस सिचुएशन में, लेट से मुझे जो भी स्टूडेंट कोर्स वन में ग्रेटर देन 50% है, ये लेट से मार्क्स है ना, ग्रेटर देन 50 हैं, तो उनको मुझे क्या करना है, उनको मुझे सिलेक्टेड करना है। लेट से इक्वल्स टू सिलेक्ट वर्ड लिख रहा है, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका C1 कोर्स में ग्रेटर देन 50 आ रहा है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। दूसरे वाले कॉलम में हम करेंगे C2 में ग्रेटर देन 60 जिस बच्चे का आ रहा है, उसको हमें रिजेक्ट करना है। अब ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है, सिस्टम ने आपको दे दिया, मतलब सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, सिस्टम को आपने बताना है कोर्स वन कोर्स टू के लिए आपने क्या सिलेक्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। एक बार में एक इफ फंक्शन लगाएंगे, एक लॉजिक रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो बार मैंने लिख दिया, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांसपोज ऑप्शन को यूज करते हुए दोनों को पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो ये देखो दोनों कंडीशंस आपके सामने सामने आ गई है। ऊपर हमें यहाँ पे चाहिए कि जो सी ग्रेटर देन C1 में, ये C1 मीन्स ये वैल्यूज जो है ग्रेटर देन 50 है, उसको हम लिख के दें कि वो सिलेक्ट है उसके सामने। यहाँ पे अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो फिर उसका कुछ और रिजेक्ट कर देंगे। इस केस में जो बच्चा 60 से ज़्यादा है उसको रिजेक्ट करना है, लेकिन 60 से कम है तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये सिचुएशन है, इसको हम इफ फंक्शन से करेंगे। लगाते हैं फिर, IFF लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लॉजिकल फंक्शन क्या है, हम ये C1 की वैल्यू टेस्ट करने वाले हैं, तो C1 सेल को पकड़ लो। C1 की ये वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, कॉमा, अगर ग्रेटर देन 50 है तो आपको क्या चाहिए, हमने लिखा हमें सेलेक्ट चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमाज में सिलेक्ट लिख लो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। देखो वैल्यू इफ ट्रू वो है सिलेक्ट, लेकिन अगर हो सके कि ये वाले सेल की वैल्यू 50 से कम है, यानी उस सिचुएशन में हम क्या रिजल्ट देंगे बच्चे को इस सेल के अंदर, यानी इस डेटा फाइल में कुछ सेल पे रिजल्ट आना चाहिए ना, अगर हम 50 से ग्रेटर पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो 50 से कम में क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसका उल्टा ले लिया, रिजेक्ट, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, देखो पहला स्टूडेंट रिजेक्ट हो गया क्योंकि वैल्यू 21 है। डबल क्लिक करेंगे तो सारे सीरीज की वैल्यू जनरेट हो जाएगी, कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं पूरे डेटा में। अगर हमें इसको करना तो यहाँ पे एक और हमारे पास फंक्शन है, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, इसी उसमें हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, बट उसके लिए विल डू इट इन सम अदर क्लास। अभी यहाँ पे सिंपल देख लें, आपके पास रिजेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको सिस्टम ने जनरेट करके दिया है, आप एक बार डबल क्लिक करो तो आपको रूल दिख जाएगा। इफ फंक्शन में दिस सेल विच इज F3 शुड बी ग्रेटर देन 50 कॉमा, अगर सही है तो सिलेक्ट आए, गलत है तो रिजेक्ट आए, तो यहाँ पे हमारे पास रिजेक्ट आ रहा है, यानी दिस वैल्यू इज लेस। कहीं सिलेक्ट पे चलते हैं, लेट से दिस सिलेक्ट है, सिलेक्ट में यहाँ वैल्यू देखो 66 है विच इज ग्रेटर देन 50, यहाँ सिलेक्ट है वैल्यू इज 95, सो विच इज ग्रेटर देन 50, तो लॉजिक सही बैठ गया। अब दूसरे केस में हम थोड़ा उल्टा करते हैं, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। लेट से हमें बैकलॉग की क्लास लगानी है, रीअपेयर की क्लास लगानी है, या वीक स्टूडेंट्स की क्लास लगानी है, तो जो 60 के ऊपर है उनको नहीं बिठाना, किसको बिठाना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये एक लॉजिक फंक्शन रन कर रहे हैं पूरी क्लास के डेटा पे। तो यहाँ C2 से पहले अपन इफ फंक्शन लगाएंगे, फिर से इफ में एक ही लॉजिक जाएगा। अब ये C2 कोर्स है तो हमें सेल्फ सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना, C2 के नीचे वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपने उठा लिया, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 60, अगर ये सही है तो नो नीड टू अटेंड, ये मैसेज आ जाएगा। लेकिन इफ इट इज नॉट द केस, और जो वैल्यू है 60 से कम है, उसमें फिर आप इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, बिकॉज हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमास में ही रखेंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कंपलसरी टू अटेंड। देखो ये टेक्स्ट है तो जो भी लिखना है आप लिख लो, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्लोज कर लो, ब्रैकेट लगाया, एंटर मारा। अब ये पहला जो स्टूडेंट है उसके लिए कंपलसरी हो गया, भाई मुझे नहीं पता कौन स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपके पास पूरी क्लास का डेटा जनरेट हो गया, जिसमें एक दो दो ही स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये ऑप्शनल है, बाकी सबके लिए कंपलसरी है। होप यू अंडरस्टैंड, ये सिस्टम ने जनरेट किया, लेकिन हमारे
इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जनरेट किया, क्या किया, डबल क्लिक करो कहीं पे भी किसी सेल में भी जहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यू कैन सी द फंक्शन, इफ फंक्शन है, लॉजिकल टेस्ट क्या है, जी फाइव शुड बी ग्रेटर देन 60, कॉमा वैल्यू इफ इट इज ट्रू क्या चाहिए वो आप पुट अप करो, कॉमा वैल्यू इफ इट इज फॉल्स क्या चाहिए वो आप पुट अप करो, सिस्टम विल गिव यू द सेम डिजायर्ड आउटपुट। होप दिस इज क्लियर टू यू, टेक केयर, गुड डे, बाय।